हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवन। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज अपना योगा डे सीरीज का सेकंड एपिसोड है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन एक ऐसा आसन है, इसमें पूरा शरीर सबल और सुदृढ़ बनता है और पेट की सभी बीमारियां दूर करता है। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि उत्त यानी पैरों को उठाना, पाद यानी पैर और तान यानी खींचना, यानी पैरों को आगे खींच के जमीन से लगभग एक फीट ऊपर उठाना। तो चलिए योग शुरू करते हैं। इस आसन में सर्वप्रथम जमीन पे पीठ के बल लेट जाना चाहिए और फिर दोनों हथेलियों को जमीन से पकड़ बना लें और दोनों पैरों के अंगूठों को मिला के आगे की तरफ खींचे और खींच के पैरों को जमीन से 1 या 1.5 फीट ऊपर करें और इस स्थिति में लगभग 1 मिनट तक बने रखें। फिर जैसे ही आप धीरे धीरे जमीन पे ले जाएं तो ये अपना सांस वापस छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आप रेगुलर 7 से 8 दिन तक करेंगे तो आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। और इसमें जो कमर के दर्द के पेशेंट हैं उनको एक-एक पैर करके उठाना चाहिए। जैसे एक पैर अब उठाया, सांस अंदर खींच लिया, जमीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए, ज्यादा ऊपर इसमें सही नहीं रहता। फिर दूसरा पैर अंदर सांस खींचते हुए दूसरा पैर उठाएं और फिर धीरे सी तीसरे पैर को नीचा करें। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार करने पे कमर दर्द के पेशेंटों को बहुत आराम मिलता है और अपनी योगा डे सीरीज में एक आसन आपको 7 दिन बाद बताया जाता है, तो इसका 7 दिन तक रेगुलर प्रयोग करें। आज का आसन अपने क्रिया में करके देखा और अब अपन इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। इसके अगर लाभ अपन देखें तो अपने शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। इससे नाभि बिंदु खिसकने में बहुत ही आराम मिलता है। जिन भाई बहनों की नाभि बिंदु इधर उधर खिसकती है, जिसको हमारे यहाँ धरण बोलते हैं, आपके एरिया में क्या नाम से जानते हैं हमें पता नहीं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस नाभि बिंदु को बहुत ही लाभ मिलता है। इस नाभि बिंदु को अगर अपन अपना अलाइनमेंट पेट का सही रखें तो ये एकदम पेट सुदृढ़ रहता है। तो इस आसन से अपने पेट का अलाइनमेंट फिर बेस्ट रहता है। तो और अगर अन्य लाभ देखें तो अपनी आंत का डाइजेशन बहुत ही सफल और सही रहता है और इससे जठराग्नि एक्टिव रहती है और रेगुलर तरीके से काम करती है। और अगर अपन इस आसन के लाभों के बारे में देखें तो यह है अपनी जांघ और कुल्हे की मांसपेशियों को स्ट्रोंग बनाती है और शरीर को सबल और सुदृढ़ बनाती है। अगर अपनी जांघ की मांसपेशियां सबल रहेगी तो अपने शरीर का पूरा बॉडी मेंटेनेंस एकदम सही रहता है। और अब अगर इसकी हानियों की अपन बात करें तो वैसे सामान्य तौर पे कोई हानि नहीं है, मगर जिन कमर के पेशेंटों को यह आसन एक एक पैर उठा के ही करना चाहिए। दोनों पैर उठाने से उनके नुकसान हो सकता है और फिर भी अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही आसनों का प्रयोग करें। आज का आसन आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करके बताएं कि
ऐसा उत्तान पादासन आप 7 दिन तक करें और फिर नेक्स्ट बुधवार को नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।